हेलो एंड वेलकम बैक। पिछले सीरीज में पिछले बार आपने पढ़ा था लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, जो अब है अगला है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, बेसिकली सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होगा, आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक बार आपको बोलेगा कि सभी की सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, ऑल आर फेसिंग द सेंटर। और दूसरी बार क्या बोलेगा, कुछ लोग हैं जहाँ पर आपको कुछ लोग बाहर की ओर मुंह करके बैठे, कुछ लोग अंदर की ओर मुंह करके बैठे। दोनों को एक एग्जाम्पल समझेंगे किस किस तरीके से क्या होता है, एक व्यू लेंगे। यहाँ पर जब आप वीडियो देखेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि ये आपका जो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, पजल हुआ, ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत वेराइटी है, बट आपको मेन ये सीखना है कि वो सॉल्व किस तरीके से हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो पहला काम, कभी भी अगर आपको सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट बोला है तो पहला काम क्या होगा, सर्कल। ठीक है, दो सर्कल बना लेंगे, एक सबॉर्डिनेट के लिए, हेल्पिंग के लिए, क्योंकि आपके पास कंडीशंस बनेंगे, अलग अलग कंडीशंस बनेंगे। हो सकता है कि आपका एक ही आंसर आ जाए, लेकिन कभी कभार क्या होगा, आपको कंडीशन अगर आपको बनेगा, दो कंडीशन आपको बनेगा, तो आपको वहां पर दूसरा भी आपको साथ में क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट के लिए रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा काम, अगर मान लो सपोज बोला आपको आठ लोग, तो आपने आठ लोगों को ऐसा बना दिया। ठीक, अब आपकी इच्छा है कि आपने स्टार्ट यहां से किया है, ठीक, या किसी ने स्टार्ट यहां से किया है, या स्टार्ट आप यहां से करें, या स्टार्ट आप कहीं से, आप स्टार्ट कहीं से भी करें, आंसर आपका सेम वही आएगा। तो उसमें ऐसा कोई बात नहीं कि आप कहां से स्टार्ट करें, किस जगह से स्टार्ट करें, आपके पास वो नहीं होगा। ये पहला काम। ठीक, दूसरा, जितने लोग बोला, अगर बोला सात लोग, तो पहला काम सात लोग बना लीजिए। ठीक है, ये दो पहला काम होगा। ये दूसरा काम होगा, अपन लोग जितने लोग बोले हम लोग क्या कर लेंगे, उतने लोग को बना लेंगे, साथ में क्या करेंगे बताना, सपोर्टिंग फैक्टर को साथ में आप लेके चलेंगे। और दूसरा, स्टार्ट कहां से करेंगे, जैसे मैं आपको लीनियर सिटिंग एरिया बताया हूं, स्टार्ट हमेशा क्या करेंगे, कंफर्म पोजिशन से करेंगे। ठीक है, जहां पर जिसका पोजिशन यहां पर क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ध्यान से पढ़िए, फिर इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। ए बी सी डी ई एफ और जी सात लोगों के बारे में बात कर रहा है। ठीक, सभी सेंटर की ओर देख रहे हैं, प्लेइंग कार्ड। ठीक है भाई, चलो, सात बोला है ना, एक दो तीन चार पांच छ सात। ठीक, एक दो तीन चार पांच छ सात, जैसे जैसे बोला वैसे वैसा बना लेते हैं। ठीक, पहला काम, ई ए और डी का पड़ोसी है लेकिन पोजीशन फिक्स नहीं है, है ना, जी एफ और सी के बाजू में नहीं है। ठीक है भाई, है ना, और एफ इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए, एक कंफर्म केस दिया, वो क्या दिया, एफ इज द इमीडिएट राइट ऑफ ए, एफ ए के ठीक दाएं बैठा है, एफ ए के ठीक दाएं बैठा है, ये हमको दिया। ई ए और डी का पड़ोसी है, ई ए और डी का पड़ोसी है, ई ए और डी का पड़ोसी है, पड़ोसी मतलब आजू बाजू वाला होता है। ठीक है भाई, ई और डी का पड़ोसी है। ठीक, अब कंडीशन बच गया हमारे पास, ये तीन जगह बच गया, जी एफ और सी के बाजू में नहीं है, जी क्या होगा, एफ और सी के बाजू में नहीं होगा, जी कहां पर होगा, एफ और सी के बाजू में नहीं होगा। तो अगर जी को यहां पर बैठाते हैं, ठीक है, जी को अपन लोग मान लेते हैं, दो जगह हो गए, देखो जी एफ और सी के बाजू में नहीं, तो जी को यहां तो बैठा सकते नहीं अपन लोग, ठीक है, क्योंकि यहां पर एफ के बाजू में हो जाएगा, एक कंडीशन ये होगा, और दूसरा कंडीशन जी को, अच्छा डी यहां पे क्या आ गया, अच्छा डी आ गया, ये है ना, ठीक, सॉरी ठीक कर लेते हैं, ई ए और डी का पड़ोसी है ना, ई ए और डी का पड़ोसी है, ई ए और डी का पड़ोसी है। ठीक, अब जी एफ के बाजू में बैठ सकता नहीं है, तो जी का दो ही कण जगह बचेगा कि भाई जी या तो इधर बैठेगा या तो जी इधर बैठेगा। ठीक, अब कंडीशन ये हो गया, ठीक, ये हो गया। अब यहां पर क्या बोला है कि
एफ के जी एफ और सी के बाजू में नहीं, जी एफ और सी के बाजू में नहीं है, तो सी को या तो इधर बैठाना पड़ेगा या तो सी को यहां बैठाना पड़ेगा, ये कंडीशन हमारे पास हो गया। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल हमारे पास है क्या, पॉसिबल फिगर में जी को अपने को यहीं पर बैठाना पड़ेगा, जी एफ और सी के बाजू में नहीं है, एफ ए के ठीक दाएं बैठा हुआ है, और हमको यहां पर क्या बोला है, इस जगह हमको दो कंडीशन हमको दे दिया यहां पर, ये आ गया अपने पास, जी इज नॉट देयर। और कुछ दिया कंफर्म केस, हमको यहां पर और नहीं दिया है, हमको सिर्फ ये दिया है, ये दो जगह बच गए, दो जगह कौन कौन आ सकता है, यहां पर सी आएगा तो यहां पर कौन आ जाएगा, यहां पे कौन आएगा, यहां पर ए बी सी डी में अपने पास कौन बच गया है, जी, तो यहां पर जी तो हो चुका है, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है, ए हो गया है, बी नहीं है, तो यहां पर कौन आएगा, बी, एक कंडीशन ये बनेगा, या ये भी हो सकता है कि बी यहां पर हो और सी यहां पर, ठीक। और कुछ कंडीशन दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है। हु आर द नेबर्स ऑफ बी, बी का नेबर कौन होगा, हमको बी का पोजिशन फिक्स नहीं है ना, जब बी का पोजिशन फिक्स नहीं है तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कहां पर होगा, डाटा इन एडवोकेट हमारे पास, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दिया ना, ए इज द नेबर ऑफ ए एंड डी, जी इज नॉट द नेबर ऑफ एफ एंड सी, अच्छा अच्छा सॉरी यहां पर क्या बोला, जी इज नॉट नेबर ऑफ एफ एंड सी, है ना, ठीक। तो कंडीशन यहाँ पे कंफर्म यही होगा कि यहीं पर बैठाना पड़ेगा, ठीक है, हाँ यहीं बैठा, क्योंकि अगर यहां पर होगा सी यहां पे आ गए तो जी इसका नेबर बन जाएगा, तो कंडीशन ही अपने पास एक ही कंडीशन बनेगा, वो ये वाला बनेगा कि यहां पर क्या होगा, ये वाला कंडीशन हमारे पास बनेगा। ठीक है, ओके, हु आर द नेबर्स ऑफ बी, बी के आसपास कौन है, जी और सी, जी और सी दिया है क्या, नन ऑफ दिस, बी के नेबर्स कौन है, बी के नेबर्स में यहां पर कौन है, सी है, और यहां पर कौन है, जी, दिया है क्या, नहीं दिया, डन, तो नन ऑफ दिस ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेकेंड पर्सन सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड पर्सन मतलब दूसरा व्यक्ति पहले के ठीक दाएं, दूसरा व्यक्ति पहले के ठीक दाएं, सी बी मतलब बी सी के दाएं होना चाहिए, बी सी के दाएं है क्या, बी सी के दाएं है, डी जी, डी जी है क्या, डी जी के दाएं है, है, है ना, सॉरी सेकेंड पोजिशन, सेकेंड पर्सन बोला ना, जी डी के दाएं होना चाहिए ना, जी, जी डी के दाएं है क्या, नहीं, बाएं है, अच्छा हमको तो मिल ही चुका है, एक मिल चुका है, कौन मिल चुका है, सी और बी, आगे सॉल्व करेंगे, अपने को जरूरत नहीं। नाउ द नेक्स्ट वन, Which of the following pairs of person sitting adjacent to each other from left to right in order is given? Left to right ना, left to यहाँ पर क्या बोला? Left to right बोला, ठीक? ये ऐसा position अपने पास, left to right अपने जा रहा है, ठीक? ये ऐसे अंगत क्या हो जाएगा? Right to left हो जाएगा, ठीक? Left to right. C, D और G, C, D और G. नहीं, C, D और G ये sequence में नहीं है, ठीक है? अगला क्या दिया है, ईडीजी, ईडीजी, ईडीजी दिया है क्या, नहीं, सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है, ईडीजी नहीं है, बीजीसी, बीजीसी है क्या, बीजीसी नहीं, बीजीसी भी नहीं है अपने पास, ठीक है, अगला एफबीसी, एफबीसी है क्या, नहीं, एफबीसी भी हमारे पास नहीं, क्योंकि यहां पे तो क्या हो जाएगा अपने पास, नन ऑफ दिस ये हमारे पास आंसर, सॉरी नन ऑफ दिस ये हमारे पास आंसर, ठीक है। अगला, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ, पोजीशन ऑफ एफ, पोजीशन ऑफ एफ, ठीक, ये तो ए के क्या होगा, इमीडिएट कहां पर होगा, राइट में होगा, ए के इमीडिएट राइट में होगा, ठीक है, एफ ए के इमीडिएट राइट में होगा या सी के इमीडिएट लेफ्ट में होगा, ए के इमीडिएट राइट में है क्या, नहीं, अच्छा टू द राइट, टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, नहीं, लेफ्ट ऑफ ए है क्या, लेफ्ट ऑफ ए है क्या, नहीं, राइट ऑफ ए है, ठीक है। नो द नेक्स्ट वन, ठीक, टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, इमीडिएट राइट ऑफ बी है क्या,
राइट ऑफ बी इमीडिएट राइट ऑफ बी, नहीं ये भी नहीं है, ठीक। सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, सेकेंड टू द राइट ऑफ सी है क्या? नहीं, सी यहां पर है ना, उसके जस्ट इमीडिएट यहां पर क्या लेफ्ट में है। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी है क्या? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी नहीं, ये राइट में है, ठीक। एक ही बची है पोजीशन हमारे पास, क्या बची है? नन ऑफ दिस, ये हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द पेयर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है, मतलब आजू बाजू नहीं बैठा, आजू बाजू नहीं बैठा, अपने को देखना है, ए बी आजू बाजू नहीं बैठा है, ठीक, सी बी, अच्छा अपने को ये खोजना है, अपने को बस वही खोजना है कौन आजू बाजू बैठा नहीं है, तो एक ही जन अपने बाजू नहीं बैठा, कौन बी ए अपने को आजू बाजू में आपके पास नहीं बैठा, ठीक है, देख लेते हैं यहां पर, बी ए आपके आजू बाजू में आपके पास नहीं बैठा हुआ है, ठीक। तो ये था हमारा पहला, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आठ लोगों के बारे में बोला है, पी क्यू आर एस टी यू वी एन डब्ल्यू, सर्कुलर में बैठे हैं सेंटर की ओर और कंडीशंस हमको दिया हुआ है, ठीक, ध्यान से देख लीजिए एक बार कंडीशंस पूरे क्या क्या दिए हुए हैं। ठीक है, आठ लोग हैं, पी डब्ल्यू के दाएं से तीसरे और क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठता है, ठीक है, चलो पहला काम, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, हेल्पिंग फिगर साथ में रखे रहना है ना, अभी से बता रहा हूं, नहीं तो क्या होगा कि जब आप सोचेंगे कि मैं एक ही फिगर में कर लेता हूं तो कभी कभी थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, और एग्जाम के प्रेशर में क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है हम उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, तो इसीलिए सिंपल वे में जितना इजी हो सके हम उसको उतने इजी तरीके से यहां पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला कंडीशन बोल रहा है कि पी डब्ल्यू के दाएं से तीसरे, पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, P sits W third to the right of W and third to the left of Q. Third to the left of Q. P, W और Q. ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? अच्छा, इसको Q को अपन अंदर लिख लेते हैं ना, Q को अपन अंदर लिख लेते हैं, कंफ्यूजन होता है, ठीक। अच्छा, और क्या बोल रहा है? एस टी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है और टी क्यू का पड़ोसी नहीं है, टी क्यू का पड़ोसी नहीं मतलब टी तो इधर नहीं आ सकता, टी इधर नहीं आ सकता, एस टी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, एस टी का अगर टी को यहां पर लिया तो यहां पर नहीं होगा, ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, टी को यहीं पर लेना पड़ेगा, तभी तो एस टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एस टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ऐसे दाएं मतलब इधर होगा क्योंकि सबके सब केंद्रीय क्यू मुख करके बैठे हैं, तो ऐसा देखेंगे तो दाया, ऐसे देखेंगे तो क्या होगा, बाया। टी क्यू का पड़ोसी नहीं, जबकि यू ना तो टी, टी क्यू का पड़ोसी नहीं, सही बात है भाई, और यू ना तो टी और ना ही डब्ल्यू का पड़ोसी है, यू ना तो टी ना तो डब्ल्यू का पड़ोसी है, तो U तो इधर नहीं आ सकता, तो U को यहीं पे आना पड़ेगा, तो U को इधर ही आना पड़ेगा, तो एक ही फिगर बनेगा अपने पास, दूसरे को जरूरत नहीं पड़ेगा अपने पास, ठीक है। और क्या बोल रहा है, V R के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा, V R के बाएं, एक ही फिगर में अपना फिगर बन जाएगा, ठीक है, अपने को दूसरे का जरूरत नहीं पड़ रहा आपको, तो इजी है, वो एक ही बन जा रहा है, तो अपने पास दूसरा हेल्पिंग वाले का जरूरत अपने को नहीं पड़ा, ठीक है, हमारे पास दिया पहला क्वेश्चन। Who sits second to the left of V? Second to the left of V.
यू, ठीक है, यू हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक, और द फर्स्ट वन। सेकेंड वन, हु सिट्स बिटवीन यू एंड पी, यू एंड पी एस, स्टार्टिंग फ्रॉम पी पोजिशन, इफ ऑल द एट मेंबर्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, पी से अपन देख रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम पी पोजिशन, इफ ऑल द एट मेंबर्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, द सिटिंग पोजिशन ऑफ फॉर्म मेंबर्स एक्सक्लूडिंग पी वुड नॉट चेंज, ठीक है, पी से प्रारंभ करते हुए यदि सभी आठों को दक्षिणावर्त है ना में बैठाया जाएगा, ठीक, ठीक है, चलो भाई, क्लॉक वाइज मतलब क्लॉक ऐसे घूमते याद रखना, ठीक है, तो अगर अपन रखें पी से अपन शुरुआत की, ठीक है, तो एक दो तीन चार पांच छ सात, क्लॉक ऐसे घूमेगा, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू, यही हमको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा यह है वुड नॉट चेंज, किस किस का चेंज नहीं होगा, किस किस का चेंज नहीं होगा, ठीक, सभी का चेंज, किस किस का चेंज नहीं होगा, क्यू आर, हाँ एक आर हुआ, एस टी यू वी डब्ल्यू, एक एक का चेंज नहीं होगा, कौन होगा अपने पास, वो आर का चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्यों होगा अपने पास, एक होगा और वो आर का चेंज नहीं होगा, आर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज ओनली वन पेयर वन पर्सन सिटिंग बिटवीन देम, ठीक, किसके बीच, अगर क्लॉक वाइज लूंगा तो किसके बीच में एक आदमी बैठा अपने पास, क्लॉक वाइज में लिया ना, क्लॉक वाइज में लिया तो कितने आदमी बैठा हमको ये पूछना, ठीक है, क्लॉक वाइज में कितना आदमी बैठा हमारे पास, ठीक, क्या क्या दिया हुआ है कंडीशन, टी वी, टी और वी, अच्छा काम करते हैं, फिगर भी यहां बना लेते हैं, ठीक है, फिगर को अपन यहां पे बना लेते हैं तो अपने को इजी पड़ेगा, क्या बनेगा अपने पास, SPTR, 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 ठीक है ना, SPTR, U Q V W, 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 U Q V W,
नहीं, तो आर पी ओ का आंसर ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, फोर ऑफ देम आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, पोजिशन के अपने को निकालना, ये बहुत बार पूछता अपने पास, एक अपने को अलग निकालना कौन सा संबंधित है, मतलब ऑड मैन आउट वाला चाहिए। W और T के बीच में एक आदमी बैठा है, P और U के बीच में भी एक आदमी बैठा हुआ है, सही है भाई। S और Q के मध्य भी एक आदमी बैठा है, ये भी सही है। R और P के बीच में भी एक आदमी बैठा है, ये भी सही है। P और Q के बीच में दो लोग बैठे हैं, ये देखना ठीक है ना। बाकी सबके मध्य में एक ही आदमी बैठा हो, इसके मध्य यहां पर P और Q के मध्य अपन देखे तो दो आदमी बैठा हुआ है, इसलिए ये हमारा आंसर ठीक। चलिए अगला है, ठीक ट्राई करिए, है ना। एक अपन पेज ले लेते हैं ताकि अपन लोग उसको ड्रॉ करने का बाकी फिगर को हर जगह बना सके, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
ध्यान से पढ़ लीजिए क्या बोल रहा क्वेश्चन में। ये आपको बोल रहा है कि कितने लोग के बारे में कहानी बोल रहा है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ लोग के बारे में कहानी बोल रहा है। तो पहला काम एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, पांच छह सात आठ, ठीक है ओके। इंग्लिश में देख लेते, ठीक है चलो। M इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, M, अच्छा अपन A को यहां पे लेते हैं, M इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, M इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, A हुई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, A हुई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, क्योंकि ऐसा बैठा है ना, तो यहां पर ये A हुआ, यहां पर हमारे पास M हुआ और यहां पर हमारे पास क्या हुआ T हुआ, ठीक है। D इज सेकंड टू द राइट ऑफ H, H हुई सेकंड टू द राइट ऑफ T, H हुई सेकंड टू द राइट ऑफ T, H हुई सेकंड टू द राइट ऑफ T एंड D इज सेकंड टू द राइट ऑफ H एंड D इज सेकंड टू द राइट ऑफ H, D इज सेकंड टू द राइट ऑफ H, ठीक है हमको दिया, ठीक। R इज सेकंड टू द राइट ऑफ B, R इज सेकंड टू द राइट ऑफ B, हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ T, B T का पड़ोसी नहीं है, B T का पड़ोसी नहीं है, मतलब B तो यहां नहीं आ सकता, तो B को यहीं पे बैठाना पड़ेगा, ठीक है ना भाई, B को यहीं बैठाना पड़ेगा और B सेकंड टू द राइट है ना, R इज सेकंड टू द राइट ऑफ B, R इज सेकंड टू द राइट ऑफ B, एक ही जरूरत नहीं पड़ेगा अपने पास, एक ही बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बन गया, एक आदमी बच गया, कौन बच गया है इसमें, टी हो गया है, ए हो गया है, एम हो गया है, डी, डी बचा ना, डी हो गया, सॉरी डी हो गया, पी, पी बचा है, तो पी हमारे पास ये, ठीक। तो एक ही फिगर बनेगा अपने पास, दूसरे फिगर का अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगा अपने पास, ये एक ही फिगर बन गया, ठीक है। अब ये एक फिगर को मैं लिख लेता हूं, ये एक फिगर यहां पर क्या है, ठीक है, ऊपर हमारे पास आठ लोग बन गए, फिगर को ऊपर में कौन है अपने पास, एच है, इसके नीचे में यहां पर ए है, यहां पर टी है, यहां पर डी है, यहां पर एम है, यहां पर पी, इधर पर बी और इधर पर आर, ठीक। ये हेल्पिंग फिगर अपन सब में बना लेते हैं ताकि आपको हर क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना जाए, जैसे पिछले बार कर रहे थे अपन लोग, यहां देख रहे थे अपन लोग, इससे अच्छा अपन यहीं कर, ठीक है। एम एच पी टी डी बी ए आर, ठीक है, ये भी उससे रिलेटेड है ना, ये भी उससे रिलेटेड है, बी ए आर टी डी एम एच पी, ये भी उसी से रिलेटेड है। एक बार आपने एक सही बना लिया तो आपके पास पूरा पांच नंबर आपको मिल जाएगा, तो एक बार थोड़ा सा टाइम लगता है इसको बनाने में, लेकिन ध्यानपूर्वक बनवाइएगा, है ना, क्योंकि जरा सा गलती आपका पूरा आपका पांच नंबर क्या हो जाएगा, खा जाएगा। अच्छा ये भी पांच क्वेश्चन, बी ए आर टी डी पी एम एच, ये है ना, और भी क्या नहीं, ये चलो यही देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर द थर्ड पर्सन इज किस संयोजन में तीसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाएं ओर से दूसरा है, तीसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बाएं ओर से दूसरा, तीसरा व्यक्ति मतलब यहां पे देखे एक आर को देखे, तीसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है, तीसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाएं ओर दूसरा है, जो आर है ए के बाएं ओर दूसरा है क्या, यही बोल रहा अपने पास, तीसरा व्यक्ति मतलब कौन हुआ आर, क्या ए के बाएं दूसरा है क्या, नहीं ए के दाएं है, तुरंत
बी एम 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 जो है जो एम है जो एम है बी के बाएं दूसरा है क्या? हाँ एम बी के बाएं दूसरा है क्या? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बोले ना तीसरा व्यक्ति यहां पर कौन है? तीसरा व्यक्ति हमारे पास एम है और ये एम बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो बिल्कुल सही है, वो हमारा आंसर आ जाएगा इसका बनता। ठीक, हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी? बी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? बी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एम बैठा है, ये हमारे पास। ठीक, हु इज इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ एच? एच के इमीडिएट लेफ्ट में, ये राइट हुआ ये लेफ्ट हुआ पी, ये हमारा आंसर हो जाएगा पी। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी? टी के दाएं तीसरे में कौन बैठा है? एम, ये हमारा आंसर। ठीक, बी के बाएं और बी के बाएं और पहले और दूसरे दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द फर्स्ट एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी? फर्स्ट एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, फर्स्ट एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, डीएम, डीएम मतलब एमडी, नहीं सॉरी है ना, लेफ्ट बोला ना अपने पास, तो पहले कौन आएगा? डी, फिर कौन आएगा? एम। बहुत बड़ा एग्जाम में गलती ये वाला मत करना, बहुत बार जल्दी पढ़ के एमडी पढ़ के कि दोनों उसके लेफ्ट में, ऐसा वाला गलती मत करना। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था, चलो अगला देखते हैं। ठीक, पढ़ लीजिए ध्यान से। सोलह से बीस, ये भी आठ लोग हैं, ठीक है ना, आठ लोग बोला है। ठीक है, ठीक, ए सी के बाएं और तीसरे स्थान पर है, ए सी के बाएं, ए सी के बाएं तीसरे स्थान पर है और ई के दाएं दूसरे स्थान पर है, और ई के दाएं, और ई के दाएं दूसरे स्थान। B sits second to the right of D, who is not an immediate neighbor of E. मतलब D जो है ना, D जो है E का immediate neighbor नहीं है। ठीक, G D का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, H F के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। H कहां पर बैठा है? F के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। बहुत सारे कंडीशन हमारे पास दिए हैं। B sits second to the right of D. And D is not immediate neighbor of E. ठीक है, B sits second to the right of D. First or second. Condition देख लेते हैं. B sits second to the right of D. B sits second to the right of D. B sits second to the right of D. एक condition ये बनेगा. यहां तो बैठ सकता नहीं है, है ना? यहां तो बैठ सकता नहीं है. और B sits second to the right of, sorry. B sits है ना? Okay, okay. B sits second to the right of D. अपन अभी ये अपन और कंडीशन बनेगा और ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि E का निकटतम पड़ोसी नहीं है, है ना भाई? जो D है ना, E का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ये कंडीशन तो अपने पास नहीं बन सकता। ठीक, तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं? B sits second to the right of, ये नहीं बन सकता। B sits second to the right of ये बन सकता है, ठीक है ना, क्योंकि डी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। दो कंडीशन हमारे पास ये बना। ठीक, और क्या बोल रहा है? जी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी इधर तो नहीं आ सकता। तो जी का पोजीशन क्या होगा? या तो जी इधर तो नहीं आएगा, जी का पोजीशन यहीं पर, दोनों में कहीं पर होगा। ठीक, एच एफ के बाय दूसरे स्थान पर बैठा है। एच कहां पर बैठा है? एफ के बाय दूसरे स्थान पर बैठा है। एच एफ के बाय, तो एक ही कंडीशन होगा, एच एफ के बाएं, एफ का बाएं, एच क्या होगा? एफ का बाएं मतलब है ना, एच एफ का बाएं, यहां दायां हो जाएगा, तो एच
एफ का बाय नहीं, सॉरी एच एफ के बाय दूसरे स्थान पर बैठा, यही होगा ठीक है। यहां पर लिया तो एच एफ के ऐसे बैठेगा ना, तो ये बाया होगा एच एच एफ के बाय, ये कंडीशन हमारे पास बनेगा ठीक। ये वाला कंडीशन हमारे पास ये वाला बनेगा, एफ क्या होगा सॉरी यही बोला ना अपने पास, एफ एच के बाय एफ सॉरी सॉरी एफ क्या होगा तभी तो इधर होगा ना, ये क्या होगा राइट बाय एफ एच के बाय, ये कंडीशन ठीक। और क्या बोला है, जी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो जी तो इधर नहीं आ सकता, तो कंडीशन यहां पे जी होगा पॉसिबल नहीं है, तो जी को यहीं पर लाना पड़ेगा। तो हमारे पास ये वाला फिगर बनेगा, तो ये जो हमने ये वाला फिगर बनाया ना, ये हमारे पास कुछ काम करेगा ठीक। अभी वो कंडीशन को अपन मिला लेते हैं कि कहीं पर कुछ है क्या, जी डी का निकटतम पड़ोस नहीं है, एच एफ के बाय दूसरे स्थान पर बैठा, एच एफ के बाय है ना, एच एफ के बाय दूसरे स्थान पर बैठा है ठीक है, ये हमारे पास बन गया ठीक। ये फिगर को अपन नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हर जगह अपने पास काम आए ठीक है। यहां पर ऊपर में कौन है अपने पास, बी है, नीचे में सी है, यहां पर राइट में जी, लेफ्ट में अपने पास डी है, डी के ऊपर ए, बी के बाद ई, उसके बाद एफ, उसके बाद एच, ये हमको दिया ठीक है। यदि गिनती दक्षिणावर्त की दिशा में की जाए, यदि गिनती दक्षिणावर्त की दिशा में की जाए तो किस जोड़ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, दक्षिण मतलब अपन लोग इस तरीके से ले रहे हैं, एफ और जी नहीं, एच और जी नहीं, एच और सी नहीं, एच और बी नहीं, एक व्यक्ति बैठा बोले ना अपने पास दो, क्योंकि एफ और जी लिए तो यहां पर कोई नहीं बैठा है, एच और जी लिए तो एच और जी में दो लोग बैठे हुए हैं, एच और सी लिए तो कोई नहीं बैठा हुआ है ना, एच और बी लिए एच और बी में अपने पास दो लोग बैठे हैं, तो नन ऑफ दिस हमारे पास आंसर ठीक है। चलो अगला, अब फिगर बना लेते ताकि आपको हर एक क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो करके। यहां पर क्या दिया है, बी सी जी डी ए ई एफ और एच ठीक। Who sits third to the right of E? Third to the right of E. E ऐसा है, E के right में third में कौन है, D. D हमारे पास हो, तो ये हमारे पास आ गया ठीक है। What is the position of G with respect to A position? G का position A से, G का position A से, G का position A से, ये बोला अपने को, What is the position of G with respect to A? G का position A से, G का position A से, क्या होगा, जी का पोजीशन ए से लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, ये हमारे पास ठीक। हु सिट्स बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में कौन बैठा है, ई और ए के बीच में कौन बैठा है, एक आदमी बैठा है, कौन है, बी, बी, ये हमारा आंसर ठीक। अगला, स्टार्टिंग फ्रॉम ए पोजिशन, इसलिए बनाने पड़ेंगे हमको फिगर, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, सी एफ जी ई बी ए डी, स्टार्टिंग फ्रॉम ए पोजिशन इफ ऑल एट आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अपन जा रहा है, द सीटिंग ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स एक्सक्लूडिंग ए, ए को अपने को नहीं लेना ठीक है ना, वो रिमेन अनचेंज ठीक। चलो एक यहां पर कौन होगा, बी होगा, यहां पर कौन होगा, सी, यहां पे डी, यहां पर ई, यहां पर एफ, ए बी सी डी ई एफ, यहां पे जी और यहां पर कौन होगा, एच। तो कौन होगा अपने पास, सिर्फ एक बी ही है जो पहले भी यहीं पर था और यहीं पर है, और बाकी किसी पोजीशन है क्या, नहीं, बाकी सभी का पोजीशन चेंज हो गया, सिर्फ बी का पोजीशन वहां पर क्या दिया अपने पास, फिक्स दिया है, तो अपना आंसर क्या होगा, एक होगा, वो हमारा आंसर।
डी एच के बाय तीसरे स्थान पर बैठा। अब ऑब्वियसली अपने पास ये कौन होगा, अपने पास ये भी अंदर की ओर है और ये भी अंदर की ओर है, ठीक है ना, क्योंकि हमको दिया ही हुआ है कि सिर्फ ए बी ई और एफ बाहर की ओर मुंह करके बैठे, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, ठीक, डी ये हमको दिया, ठीक, और एच इज फोर टू द राइट ऑफ ई, एच ई बाहर की ओर मुंह करके बैठा क्योंकि हमको दिया बाहर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, ठीक, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, बी जो है ना डी के लेफ्ट में तीसरे, डी का पहला दूसरा तीसरा, यहां पर कौन हो गया, बी हो गया, और बी कहां पर देख रहा है, बी बाहर की ओर देख रहा है, नॉट फेसिंग द सेंटर मतलब बाहर की ओर देख रहा है, और जो ए है ना बी के राइट में तीसरे गए, तो पहला दूसरा तीसरा यहां पर कौन होगा, ए, और ए भी कहां पर देख रहा है, बाहर की ओर देख रहा है, क्योंकि बोला है ना कि यहां पर बोला ही है कि वो ए जो है ना ए बी ई और एफ बाहर की ओर मुंह करके देख रहा है क्योंकि फेस सेंटर में निकलना है। अब दिया है एफ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, एफ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी तो अंदर ही की ओर देख रहा है, सी यहां देखेगा तो एफ को यहीं पर बैठना पड़ेगा, ठीक है, और एफ कहां पर देख रहा है, एफ अंदर की ओर देख रहा है, एक आदमी बचिए कौन है, यहां पे जी, यहां पर कौन होगा, जी, और जी भी कहां पे देखेगा, जी भी यहां पे देख, सॉरी एफ बाहर की ओर देख रहा है, सॉरी एफ जो है ना, ये जो हमारे पास एफ आया है, एफ बाहर की ओर देख रहा है भाई, और यहां पर कौन बच गया, जी, और कहां देख रहा है, अंदर की ओर देख रहा है, देख लेते हैं एक दो तीन और ये चार, चार लोग हमारे बाहर की ओर देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, बेस फिगर हमारे पास बन गया, ठीक है। अब ध्यान से इसको देख लीजिए, ये हमारा बेस फिगर बन गया है, ठीक, यहां पे ई डी सी जी बी ए एच और एफ, एच अंदर है, ए बाहर है, एफ बाहर है, बी बाहर है और ई बाहर है, बाकी सब अंदर की है, ठीक है, ओके। चलो, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी इफ टेकिंग इन द क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ए और बी से, क्लॉकवाइज अपन ऐसा मतलब ये क्लॉक राइट घूमेगा अपने पास, ऐसा लेते हैं, देखिए फर्क है, बी और ए बोलेगा, ए और बी में फर्क है, ठीक है ना, अच्छा ये दोनों में सेम आ रहा है, ये ऐसा है, ये ऐसा ऑपोजिट है, यहां देखते हैं ए से बी में जा रहे हैं, तो एक दो तीन चार, चार के बाद बी बैठे हैं तो अपने पास कितना, चार हमारे पास दिया है क्या, नहीं, अदर देन गिवन ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, चार लोग हमारे पास बैठे हैं, ठीक है, ओके। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, थर्ड टू द लेफ्ट, ई बाहर के देख रहे ना, ई के बाहर थर्ड में कौन बैठा है, पहला दूसरा तीसरा, कौन है, ए, ए हमारे पास, क्लियर हुआ, नाउ द सेकेंड वन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू एफ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू एफ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी, ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू एफ, एफ जी एफ ऐसा बाहर देख रहा है, एफ के राइट में पहला दूसरा तीसरा, ठीक, थर्ड टू द राइट ऑफ, थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, थर्ड टू द राइट, ठीक है। चलो अगला, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द नेबर ऑफ एफ एंड सी, एफ और सी का पड़ोसी को ना अपन यहां पे देख लेते हैं, एफ और सी का पड़ोसी, एफ और सी का पड़ोसी कौन है, बी, जी कौन है, बी, बी हमारे पास, ठीक। चलो अगला, फोर ऑफ देम अलाइक, तो इसके लिए अपने को फिगर बनाना ही पड़ेगा ना, ठीक है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, यहां पर ई है, यहां पर सी है, यहां पर बी है, यहां पर एफ है ना, यहां पर एच है, यहां पर ए है, यहां पर जी है और यहां पर डी है, ठीक, अच्छा, ई सी आजू बाजू में है, ए जी आजू बाजू में है, डी ई आजू बाजू में है, एच ए आजू बाजू में है, एफ बी आजू बाजू में है, अरे भाई सब तो आजू बाजू में, मतलब कुछ भी निकालना पड़ेगा, ये बाहर अंदर, बी बाहर, एफ बी बाहर, ठीक है, एच अंदर, ए बाहर, जी
अंदर और डी भी अंदर, ठीक, ये हमको दिया है ना, ठीक। ईसी, ईसी ऑपोजिट डायरेक्शन, एजी ऑपोजिट डायरेक्शन, डीई ऑपोजिट डायरेक्शन, एच ए ऑपोजिट डायरेक्शन, एफ बी सेम डायरेक्शन। देखो ये बाकी सब जगह ऑपोजिट, एक बाहर एक अंदर है, और यहां पर दोनों यहां पे सेम डायरेक्शन में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। एफ बी हमारे पास क्लियर हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि जो आपका टॉपिक है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, जो आपका रेखी वाला हुआ सर्कुलर वाला, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी का ट्रेंड को देखते हुए कुछ आदमी अंदर बैठे हैं, कुछ आदमी बाहर बैठे हैं, ये पूछने की संभावना आपकी ज्यादा है, ठीक है। तो इस सीरीज को अपन कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।